हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, ये बीए पार्ट वन का जो एग्ज़ाम रूटीन है वो कब रिलीज हो गया था, लेकिन मेरे पास कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर मुझे एग्ज़ाम रूटीन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे समझा दीजिए। तो हम इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी ज़रूरी है कि किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एक तो सेशन पीछे चल रहा है, अगर उसका एग्ज़ाम छूट जाता है तो सेशन और भी पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम रूटीन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, और जो समझ गए हैं वो भी ध्यान से देखिए, और अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका एग्ज़ाम भी ना छूटे। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना फिर आपका एग्ज़ाम भी छूट सकता है अगर स्किप कर दीजिएगा तो। देखिए, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ऑनर्स, ठीक है। ये जो ऑनर्स जो पेपर है, ऑनर्स पेपर जो है ये सब्जेक्ट अंडर फोर ग्रुप्स में, यानी कि चार ग्रुप्स में ऑनर्स पेपर को लिया गया, ठीक है, चार ग्रुप्स में ऑनर्स पेपर को लिया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ऐसा नाम दिया गया। तो देखते हैं ग्रुप ए में जो ऑनर्स पेपर जिनका जिनका है, ग्रुप्स ए में खोजिएगा, ठीक है, ढूंढिएगा ग्रुप्स ए में कि आपका ऑनर्स पेपर कहीं तो ग्रुप ए में तो नहीं है। देखिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। ग्रुप ए में है फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, LSW, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज, PUB एडमी है, इसके बाद फिर म्यूजिक है, ठीक है। यह है आपके ग्रुप ए के अंडर में आता है, ठीक है, जिनका ऑनर्स है, सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट ऑनर्स है उनके लिए। जैसे किसी का फिजिक्स ऑनर्स है तो ग्रुप ए में फिजिक्स है, आप फिर नीचे में ढूंढिएगा रूटीन में ग्रुप ए में कहाँ फिजिक्स है। ग्रुप ए में जहाँ पे रहेगा उस दिन आपका, उस डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स का, ठीक है। चलते हैं आगे ग्रुप बी में। ग्रुप बी में है आपका क्या है, पोल साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशोलॉजी है, ठीक है, मैथमेटिक्स है और सोशोलॉजी है। इसके बाद ग्रुप सी में देखते हैं, ग्रुप सी में क्या है आपका, बोटानी है। ग्रुप सी में क्या है, बोटानी है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, AI एंड AS है, इसके बाद फिलॉसफी है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप सी के अंदर में आते हैं। ये सारे का सारे क्या है आपका, जिनका ऑनर्स पेपर है उसका दिया गया, ठीक है। ग्रुप डी में देखते हैं, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, अरेबिक, मैथिली, पाली, पर्शियन, बंगाली, भोजपुरी, प्राकृत और संस्कृत, ठीक है, ये ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके नीचे, अब मेन आपका जो रूटीन है वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए रूटीन क्या है आपका, फर्स्ट सिटिंग है आपका 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग क्या है, 10 बजे से 12 बजे तक आपका जो है वो फर्स्ट सिटिंग है, ठीक है। तो आपका समय 2 घंटा दिया गया है, क्योंकि इसमें न केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ चेंजिंग हुआ है, तो केवल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको टाइम कम दिया गया है। तो फर्स्ट सेटिंग आपका होने वाला है कितना बजे से कितना बजे तक, 10 बजे से देखिए 10 बजे से कितना बजे तक, 12 बजे तक। और सेकेंड सेटिंग का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 बजे से 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फर्स्ट सेटिंग 10 से 12 और सेकेंड सेटिंग 2 से 4 बजे तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूटीन के बारे में, कि आपका किस सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट का किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो बारी बारी से ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो में। देखिए 4 तारीख 10वां महीना 2021 को आपका ग्रुप ए, ठीक है, पेपर फर्स्ट, जिनका भी ऑनर्स पेपर होगा तो उनका 2 पेपर होता है ऑनर्स पेपर का, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कहने का मतलब पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम, ठीक है। तो जिनका भी अगर ग्रुप वन में होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप वन में क्या है आपका, फिजिक्स है, अगर किसी का ऑनर्स पेपर आपका फिजिक्स है, ठीक है, किसी का अगर ऑनर्स पेपर क्या है, किसी का अगर ऑनर्स पेपर है फिजिक्स, तो उसका जो ग्रुप ए में, देखिए ग्रुप ए में फिजिक्स है, यहाँ भी ग्रुप ए में 4 तारीख 10वां महीना 2021 को पहला पेपर होगा, ठीक है, फिजिक्स का पहला पेपर हो जाएगा। जिसका हिस्ट्री है ऑनर्स, जिसका हिस्ट्री है वो भी हिस्ट्री आता है किसके अंडर में, ग्रुप ए के अंडर में। तो ग्रुप ए का क्या हो जाएगा, 4 तारीख हिस्ट्री ऑनर्स जिनका है उसका फर्स्ट पेपर 4 तारीख को होगा, और जिनका मतलब सेकंड पेपर कब होगा उसका बात कर लिया जाए, तो 4 तारीख 10वां महीना 2021 को क्या है, ग्रुप ए वाले का पेपर फर्स्ट, और सेकंड सेटिंग में ग्रुप बी में, देखिए ग्रुप बी में जैसे कि किसी का अगर मैथमेटिक्स क्या है उसका ऑनर्स है, तो उसका पहला एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का सेकंड सेटिंग में होगा, कब होगा, 4 तारीख 10वां महीना 2011 को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री ए बी सी करके दिया गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम बाद में समझाते हैं 1 मिनट के बाद, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जिनका ग्रुप बी में है, अगर मान ली कि मैथमेटिक्स जिनका ऑनर्स है, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा, पहला पेपर 4/10/2021 को। नेक्स्ट पेपर देखते हैं 6 तारीख 10वां महीना 2021 को है जिनका ग्रुप सी में, ठीक है, ग्रुप सी में अपना सब्जेक्ट मिला लीजिए, बोटानी है, जियोलॉजी है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, AI एंड AS है, इसके बाद फिलॉसफी है, ठीक है। इन 7 सब्जेक्ट में से किन्हीं का अगर ऑनर्स पेपर है, तो उनका ऑनर्स पेपर, पहला ऑनर्स पेपर कब एग्जाम होगा उसका, 6/10/2021 को, वो भी फर्स्ट सेटिंग में।
में, ठीक है। ग्रुप सी वालों का कब होगा? 6/10/2021 में फर्स्ट सीटिंग, ठीक है। सेकंड सीटिंग में किनका होगा? जिनका ग्रुप डी में ऑनर्स पेपर है, ठीक है। ग्रुप डी में 13 सब्जेक्ट में से अगर किसी का ऑनर्स पेपर है तो उनका पहला पेपर होगा 6/10/2021 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 11/10/2021 के दिन ग्रुप ए में जिनका जो फर्स्ट पेपर हो गया था, ठीक है, यानी कि जिनका ऑनर्स पेपर का जो पहला एग्जाम हो गया था, वो अब दूसरा एग्जाम होने वाला है कितना तारीख को? 11/10/2021 को। तो ऑनर्स पेपर का दो एग्जाम होता है, तो पहला एग्जाम आपका कब हो गया? 4/10/2021 को। और दूसरा पेपर कब होने वाला है? 11/10/2021 को, ठीक है। ऑनर्स पेपर दूसरा एग्जाम ग्रुप ए में देख लीजिएगा, पेपर सेकेंड आपका हो जाएगा। सेकेंड सीटिंग में देख लीजिए 2 से 4 बजे तक होगा आपका 11 तारीख को। ग्रुप बी में देखिए पेपर सेकेंड, ठीक है। बी वन यानी कि ग्रुप बी का जो पहला पेपर था ऑनर्स, वो 4 तारीख को हो चुका था, और 11 तारीख को कौन सा होगा? बी ग्रुप बी में दूसरा पेपर, ठीक है, जिनका ऑनर्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका 22/10/2021 के दिन ग्रुप सी वालों का सेकंड पेपर होगा, ऑनर्स का सेकंड पेपर होगा, और सेकंड सीटिंग, वो भी पहला सीटिंग में, और सेकंड सीटिंग में ग्रुप डी वालों का पेपर सेकंड होगा, ठीक है। दूसरा उसका जो भी ऑनर्स पेपर रहेगा उसका दूसरा एग्जाम होगा ग्रुप डी वालों का 22/10/2021 को, ठीक है। तो ए वालों का पहला पेपर जिनका ऑनर्स है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका ऑनर्स है ग्रुप ए वालों का, उनका पहला पेपर ऑनर्स का 4 तारीख को, और दूसरा पेपर 11/10/2021 को, ठीक है। ग्रुप बी में जिनका है, तो ग्रुप बी में उसका पहला पेपर होगा 4/10/2021 को सेकंड सेटिंग में, और बी ग्रुप बी के दूसरा पेपर ऑनर्स पेपर कब होगा? ग्रुप बी का दूसरा ऑनर्स पेपर 11/10/2021 को, ठीक है। ग्रुप बी का जो दूसरा पेपर हो 11/10/2021 को होगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप सी में, ग्रुप सी वाला देख लीजिएगा, जिनका ऑनर्स पेपर ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, उनका पहला एग्ज़ाम होगा 6/10/2021 को, और दूसरा एग्ज़ाम आपका 22/10/2021 को, और दोनों आपका फर्स्ट सेटिंग में है, ठीक है। ग्रुप सी वालों का पहला एग्ज़ाम ऑनर्स पेपर 6/10/2021, और दूसरा एग्ज़ाम 22/10/2021 को, दोनों फर्स्ट सेटिंग में आपका, ठीक है। दोनों का पेपर फर्स्ट सेटिंग में है। इसके बाद आते हैं अब ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी वालों सुनिएगा, जिनका सब्जेक्ट ग्रुप डी के अंतर्गत है, उनका पहला एग्जाम होगा 6/10/2021 को, ठीक है। 6/10/2021 को ग्रुप डी वालों का, और उनका दूसरा एग्जाम कब होगा? 22/10/2021 को दूसरा एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से जिनका ऑनर्स पेपर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सब्सिडरी या फिर कंपलसरी जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, अब आपका जो भी एग्जामिनेशन प्रोग्राम बनेगी, अब तो ऑनर्स आपका एग्जाम खत्म हो गया, ऑनर्स का एग्जाम अब खत्म हो गया। अब चलते हैं सब्सिडरी एग्जाम 2021 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 25/10/2021 को आपका आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स होगा, 25/10/2021 को आर्ट्स जो सब्जेक्ट आर्ट्स से स्ट्रीम से लिए हैं उनका इकोनॉमिक्स होगा। साइंस वालों का उस दिन कोई एग्जाम नहीं है, साइंस वालों का उस दिन कोई एग्जाम नहीं है, और कॉमर्स वालों का भी उस दिन कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स वालों को 25/10/2021 को इकोनॉमिक्स होगा। सेकंड सीटिंग की बात करें आर्ट्स वालों को बुद्धिस्ट स्टडीज एंड पीए होगा, और साइंस वालों का बोटानी का एग्जाम होगा। कॉमर्स जो लिए हैं उनका बीओ होगा, ठीक है, बीओ का एग्जाम होगा, ठीक है। 25 तारीख समझ में आ गया। 27 तारीख चलते हैं, 26 तारीख आपका गैपिंग है, 27 तारीख के चलते हैं। 27 तारीख को आर्ट्स वालों का AI एंड AS होगा, साइंस वालों का फिजिक्स है। 27/10/2021 को फिजिक्स है, फिजिक्स उनका होगा जो जिनका फिजिक्स जो है ऑनर्स में नहीं होगा, ऑनर्स पेपर आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जिनका सब्सिडरी में है उनका फिजिक्स होगा 27/10/2021 को। कॉमर्स वालों को उस दिन कोई एग्जाम नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड सीटिंग में, तो सेकंड सीटिंग में आपका 27 तारीख का आर्ट्स वालों का है पोल साइंस, और साइंस और कॉमर्स में कोई एग्जाम नहीं है सेकंड सेटिंग में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 29/10/2021 को कौन सा एग्जाम होगा, तो LSW का होगा, आर्ट्स वालों का LSW का होगा, और साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सेटिंग में कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेटिंग में आपका कोई एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट आपका सेकंड सेटिंग में देख लेते हैं, 29 तारीख को म्यूजिक एंड स्टैटिक्स का एग्जाम होगा आर्ट्स वालों का, और साइंस वालों का उस दिन स्टैटिक्स है, ठीक है। साइंस वालों का स्टैटिक्स का एग्जाम 29/10/2021 को होने वाला है। कॉमर्स वालों का क्या है, कॉमर्स वालों का PR इकोनॉमिक्स है, ठीक है, PR इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स वालों का PR इकोनॉमिक्स 29/10/2021 को होने वाला है। आगे चलते हैं 1/11/2021 का कौन सा एग्ज़ाम होगा, 1/11/2021 में आर्ट्स जो है होम साइंस जो लिए हैं, जिनका होम साइंस जो सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम होगा कब, 1/11/2021 को फर्स्ट सेटिंग में। साइंस वालों का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, कॉमर्स वालों का कोई एग्ज़ाम नहीं है फर्स्ट सेटिंग में 1 तारीख को,
ठीक है, साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है 1 तारीख को। अगर हम सेकंड सिटिंग की बात करें तो सेकंड सिटिंग में आपका है आर्ट्स वालों का फिलोसफी, आर्ट्स वालों का क्या है फिलोसफी है, यहाँ पे देख लीजिए फिलोसफी। और साइंस वालों का क्या है उस दिन कंपोजिशन, ठीक है, जैसे हिंदी कंपोजिशन या फिर कुछ भी कंपोजिशन उसमें लिखा रहेगा अपना एडमिट कार्ड के अनुसार देख लीजिएगा। तो कंपोजिशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है साइंस वालों का 1 तारीख 11वां महीना 2021 को, और कॉमर्स वालों का भी उस दिन कंपोजिशन का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 तारीख 11 महीना 2021 को कौन सा है साइकोलॉजी का है, ठीक है, 12 तारीख 11 महीने 2021 को कौन सा एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का आर्ट्स वालों में, ठीक है, आर्ट्स वालों का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। और साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। सेकंड सिटिंग की बात करें तो आर्ट्स में जो मैथ लिए हैं उनका सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम है 12 तारीख 11 महीना 2021 को, और साइंस में उनका है, साइंस का भी जो साइंस से मैथ लिए हैं उनका भी उसी दिन एग्ज़ाम है, ठीक है, 12 तारीख 11 महीना 2021 को, और कॉमर्स वालों का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, कॉमर्स वालों का यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम रूटीन 16 तारीख 11 महीना 2021 को, उस दिन है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और साइंस वालों का उस दिन फर्स्ट सिटिंग में जूलॉजी है, और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। 16 तारीख 11 महीना 2021 की बात करें कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स वालों का लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस वालों का उस दिन जूलॉजी, और कॉमर्स वालों का कोई एग्ज़ाम नहीं है। आर्ट्स में देखते हैं सोशियोलॉजी है आर्ट्स वालों का सेकेंड सिटिंग में कितना तारीख को 16 तारीख को, और साइंस वालों का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, और कॉमर्स वालों का है फाइनेंशियल अकाउंट का एग्ज़ाम, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट का एग्ज़ाम कब है उसका 16 तारीख 11 महीना 2021 को, ठीक है, सेकंड सिटिंग में। नेक्स्ट है आपका 18 तारीख 11 महीना 2021 को कौन सा है, तो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है आर्ट्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है 18 तारीख 11 महीना 2021 को, और साइंस में उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है फर्स्ट सिटिंग में, कॉमर्स में उस तारीख को 18 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं है फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग की बात करें तो जो आर्ट्स से हिस्ट्री लिए हैं उनका एग्ज़ाम है 18/11/2021 को सेकेंड सिटिंग में, और साइंस से जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हैं उनका भी सेकेंड सिटिंग में है 18/11/2021 को, और कॉमर्स वालों का सेकेंड सिटिंग में उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22/11/2021 को आपका है आर्ट्स वालों का रूरल इकोनॉमिक्स, साइंस वालों का केमिस्ट्री, और कॉमर्स वालों का क्या है यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। सेकंड सिटिंग में आपका है आर्ट्स वालों का कंपोजिशन, 22 तारीख को आर्ट्स वालों का कंपोजिशन है सेकंड सिटिंग में, और साइंस वालों का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, कॉमर्स वालों का भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ऑलराउंडर आप ये समझ लीजिए कि कॉमर्स वालों का जो सब्सिडरी जो सब्जेक्ट लिए हैं, कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, उनका सारा एग्ज़ाम कहाँ है आपका सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, ठीक है। कॉमर्स वाला जो लिए हैं उनका सारा का सारा एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है आपका सेकेंड सिटिंग में। देखिए फर्स्ट सिटिंग में जो भी है कॉमर्स वहाँ पर एग्ज़ाम आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जितना जो एग्ज़ाम होगा आपका सारा का सारा किस में होगा सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, ठीक है। तो अगर इतना समझाने के बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, हम आपका बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। कमेंट में आप लोग हमें पूछिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का है जो कब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो हम अवश्य आपका कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस रूटीन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम रूटीन को समझने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम किसी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।